जाते हैं। अब तक शहर में 32 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। अस्पताल में भी डेंगू पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं एहतियातन डेंगू रोगियों के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड बना दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने करीब 550 घरों में सर्वे भी किया है। इसके बचाव के लिए घरों में टेलीफोर्स भी डाला जा रहा है। अस्पताल में अभी तक नवंबर के महीने में 13 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें 11 जो है वो एडल्ट्स में है और 2 पीडियाट्रिक वार्ड में है। तो इस स्थिति को देखते हुए इसके आसपास के जो इलाके जो क्षेत्र हैं, जैसे बंगला नगर है, रामपुरा बस्ती है और कुछ केसेज अंदर के जहां भारत वार्ड के और रतानी व्यासों के चौक के जो केसेज आए हैं वो यहाँ पे ज्यादातर ये सारे केसेज आए हैं। डेंगू जैसा बुखार एक सीजनल बुखार है जिसमें कुछ सिम्टम्स डेंगू के होते हैं। हम उसको डेंगू तभी लेबल कर सकते हैं कि उसके अंदर डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आए, और डेंगू टेस्ट हमने करवाए तो कुछ 20-30 मरीजों में अभी तक इस सीजन में पॉजिटिव आए हैं। गंदगी एक बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, बीकानेर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंदगी तो काफी पहले से ही है, लेकिन अभी जब 13-14 के गुरमीत राम रहीम जब बीकानेर आए थे अपने सेवादारों के साथ, साफ सफाई पूरी कर डाली थी, लेकिन कचरा अभी तक नहीं उठाया गया। एक बड़ा कारण है उसका, सबसे बड़ा एक कारण जो भी है कि दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है, लेकिन मौसम है क्योंकि गर्मी का ही है, बीकानेर शहर में हर जगह पंखे चलते हैं, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कारण यदि डॉक्टरों की माने तो उनका ये कहना है कि जो टाइगर मच्छर का प्रजनन काल है वो समय अवधि है वो बढ़ जाती है, और यदि सर्दी का मौसम बहुत जल्दी शुरू हो जाता है तो इस समय कभी डेंगू आता नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यही है, मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिसके कारण डेंगू बढ़ा। जी के शुक्रिया आपका इस अपडेट।